दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम देर शाम अम्बाला छावनी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर आप जिला के संगठन मंत्री गगनदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ उनका स्वागत किया। अम्बाला लोकसभा के प्रभारी कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वह अम्बाला में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला और आपके दिल्ली मॉडल की जमकर सराहना भी की। आप जानते हैं जिस तरह दिल्ली में एक काम के मॉडल की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की है, इससे पहले आपने पूरे देश में गुजरात मॉडल का नाम सुना होगा। हमने गुजरात जाके गुजरात मॉडल का की जांच की तो हमने पाया कि वहाँ स्कूलों में टीचर नहीं है और स्कूल में पढ़ने का माहौल नहीं है। 5,000 रुपये में टीचर अगर रखे हो क्या पढ़ाएंगे, और जहाँ चाहिए 100 टीचर वहाँ पर 25 टीचर हैं। ना पढ़ने का माहौल है, ना सरकारी अस्पतालों में कोई अच्छा इलाज है, ना दवाइयाँ हैं। तो वो गुजरात मॉडल आखिर था क्या? वो बेसिकली मीडिया का इस्तेमाल करके एक तरीके से ब्रांडिंग की गई, मोदी जी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, लेकिन उसके पीछे जो सच जाना था वह कुछ था नहीं। और उसके जवाब में दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का काम का मॉडल शुरू हुआ, जहाँ सभी के लिए सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन, सरकारी खर्चे पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, लोगों के लिए मुफ्त बिजली और सस्ती बिजली, लोगों के लिए मुफ्त पानी, लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जिस तरीके की शुरुआत काम की दिल्ली से हुई उसको पूरे देश के लोग पसंद कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि पंजाब के लोगों ने उसी के दिल्ली के मॉडल को पसंद करके पंजाब में हमारी सरकार बनाई है, और आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के काम के मॉडल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पार्टियों में जो लोग जुड़े हुए थे, जो अच्छे लोग थे, जो वहाँ परेशान थे, वो लोग भी बहुत तेज़ी से अपनी पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा संदेश है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों की भी किस्मत बदलने वाली है, वो खुद अपनी किस्मत का फैसला कर रहे हैं, हरियाणा की जनता खुद अपनी तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है और जो काबिल लोग हैं उनको टिकट देती है। मैं समझता हूँ कि आप इंतजार करो, अच्छे लोग ही मिलेंगे। दिल्ली का एग्जाम्पल आपके सामने, सारे लोग अच्छे हैं, कितना शिद्दत के साथ रात दिन लोग मेहनत कर रहे हैं, और हमने बिल्कुल वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया है, तो अच्छा होने वाला है। आप अच्छे का इंतजार करें। अब जैसे तो पार्टी फैसला लेगी, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको तो तवज्जो दी जाएगी, लेकिन जब पार्टी का एक्सपेंशन किया जाता है तो नए लोगों को भी कहीं ना कहीं महत्व दिया जाता है और पुरानों को भी महत्व दिया जाता है। सभी को सरकारी खर्च पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, सरकारी खर्च पर क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, सभी को दवाइयाँ फ्री मिले, सबके टेस्ट फ्री हों, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिले, किसानों को सस्ते दर पे और मुफ्त में बिजली मिले, आम लोगों को भी एक, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट तक है तो उसी तरह यहाँ भी जो कम यूनिट यूज़ करते हैं उनको मुफ्त में बिजली मिले, यहाँ भी पानी की गुणवत्ता वाला पानी मुफ्त में मिले। वहीं दिल्ली हरियाणा के बीच चल रहे पानी विवाद पर उन्होंने कहा कि पानी सभी का हक है, जो सबको मिलना चाहिए। नेचुरल सोर्स है, उस पर किसी एक स्टेट का अधिकार नहीं हो सकता। पानी तो सब लोगों को चाहिए, सभी स्टेट के लोग को चाहिए, सभी भारत के लोग हैं, इसको सीमाओं में बांधना तो ठीक नहीं होगा। पानी पूरे देश के लोगों को चाहिए और उसके सरकारों को मिलकर तालमेल बना के काम करना चाहिए और पानी के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। उसके लिए बुद्धि की ज़रूरत है। इस तरह दिल्ली के अंदर पानी को किस तरह बचाया जाए और किस तरह सब तक पहुँचे उस पर एक पॉलिसी के तहत काम चल रहा है, और यमुना को भी सफाई पे काम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो उसी तरह की मुझे लगता है काम की जरूरत पूरे देश को है। वहीं पंजाब में किसानों द्वारा प्रोटेस्ट करने पर उन्होंने कहा कि पंजाब में मान सरकार को बने कुछ ही समय हुआ है, अभी तो उनका पहला बजट भी नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बजट आने के बाद सभी की शिकायतें दूर हो जाएंगी, इसके लिए पंजाब की मान सरकार अच्छे से काम कर रही है। आप देखिए, अभी सरकार बनी है, बनते ही जिस गंभीरता के साथ सरकार ने काम शुरू किया, तो बजट आने वाला, बजट भी नहीं आया है, बजट ऑलमोस्ट तैयार आने वाला है। और जिस तरह किसानों की फसल को सरकार ने खरीदा है, उस तरीके से पूरे देश में जो जरूरत है, पूरे देश के लोग इसको पसंद करेंगे। आप थोड़ा समय दीजिए, पंजाब के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उन्होंने एक अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार चुनी है, और जो उनकी अपेक्षाएँ पूरी होंगी। लेकिन कोई भी सरकार चुनकर आती है कि रातों रात सारे काम पटरी पर नहीं आ जाते, उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनती है, पूरी पॉलिसी बनती है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, पॉलिसी बन रही है, रात दिन हमारे
मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रीगण काम कर रहे हैं। रिजल्ट्स के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में आपके सामने रिजल्ट। गौर हो कि अम्बाला पहुंचे दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जहां आने वाले दिनों में पंजाब के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के आने का दावा किया, वहीं हरियाणा में भी दिल्ली जैसी शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने की बात कही। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कैबिनेट मंत्री के दावे आने वाले दिनों में कितने सटीक बैठते हैं और इन दावों को लेकर बाकी पार्टियों के नेता अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।